ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी दर की अगर हम बात करते हैं तो 15.56% है। बुधवार को हरियाणा में 6,883 नए केस सामने आए, जबकि गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी में एक एक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 46,809 सैंपल लिए गए। हरियाणा में नए, आपको बताते चले, 12 दिनों में कुल 16 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में 12 दिनों के अंदर 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय है और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 6,883 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। शहर शहर कोरोना का कहर। प्रदेश में कोरोना के कुल 31,150 एक्टिव केस। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो वहीं फरीदाबाद की बात करते हैं तो 1,037 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हिसार में 154 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सोनीपत में 252 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। करनाल में 372 लोगों में कोरोना की पुष्टि। पानीपत में 223 नए कोरोना संक्रमित मिले। पंचकुला में 734 कोरोना संक्रमित मिले। तो वहीं अगर बात करते हैं अंबाला की तो अंबाला में 444 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। सरसा में 56 लोगों में कोरोना की पुष्टि। रोहतक में 133 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। यमुनानगर की बात करते हैं तो 112 कोरोना के केस सामने आए। भिवानी में 64 और कुरुक्षेत्र में 164 कोरोना के मामले सामने आए। तो वे महेंद्रगढ़ में 46 और जींद में 93 नए केस सामने आए। तो झज्जर में 141, पलवल में 22, चरखी दादरी में 16 और नूह में 25 नए संक्रमित मिले। पलवल में 22, चरखी दादरी में 16, नूह में 25 नए संक्रमित। पॉजिटिविटी दर की अगर हम बात करते हैं तो 15.56%। 24 घंटे में जांच के लिए 46,000 से ज्यादा सैंपल्स भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन के भी 7 मामले सामने आए। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही। वहीं यमुनानगर के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कल 87 नए मरीज सामने आए थे और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना अधिकारियों और कर्मचारियों में भी फैल रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए खुद की सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थलों पर आए तो दोनों टीके लगे होने चाहिए, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग भी होना चाहिए। यमुनानगर में टीकाकरण की क्षमता 15,000 प्रतिदिन की हो गई है और अभी तक 96% लोगों को प्रथम और 68% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। देखिए, यमुनानगर जिले में जो है कल की तारीख में 87 जो है नए मरीज जिसमें पाए गए हैं और कुल मिला के अभी 360 जो है वो एक्टिव केसेस अभी चल रहे हैं। ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात है तो हमारे जो 7 मरीज पहले आए थे वो ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसमें जो है कोरोना जो है हमारे ज़िले में अधिकारियों कर्मचारियों में भी ये फैल रहा है। इसके लिए मैं यमुनानगर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस महामारी को लड़ने में समाज का और प्रदेश सरकार का साथ जरूर दें और अपनी सुरक्षा जो है उसके लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पंजाब चुनाव से पहले जसपाल सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, अकाली दल में शामिल हुए जसपाल सिंह। डेरा बस्सी से पूर्व हल्का प्रधान है जसपाल, सुखबीर सिंह बादल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, चंडीगढ़ से खबर। पंजाब चुनाव से पहले जसपाल सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अकाली दल में शामिल हुए जसपाल सिंह। डेरा बस्सी से पूर्व हल्का प्रधान है जसपाल सिंह, सुखबीर सिंह बादल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, पंजाब चुनाव से पहले जसपाल सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, अकाली दल में शामिल हो गए जसपाल सिंह। डेरा बस्सी से पूर्व हल्का प्रधान है जसपाल। हिसार जिले के गांव काबरेल स्थित भरत सिंह फिलिंग स्टेशन से बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आपको बताते चले, वारदात के बाद बदमाशों ने पंप के कारिंदुओं को ऑफिस में बंद कर दिया है। और आपको बताते चले, पंप ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ का है। और वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ को मामले की सूचना मिलने पर आदमपुर पुलिस स्टेशन से थाना प्रभारी मनदीप सिंह अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई गई। खबर हिसार के बुड्ढा खेड़ा से है, जहां बिजली घर केवी 132 के क्वार्टरों में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। वहीं क्वार्टर नंबर 1 से लाइनमैन के घर से गहने चोरी हो गए। लाइनमैन अनिल ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वो बिजली घर में कार्यरत है और क्वार्टर नंबर 1 में रहता है। बच्चों की छुट्टियों के चलते उसका परिवार गांव गया हुआ है, वो भी शाम को घर चला गया था। जब वो गांव से आया तो क्वार्टर के दरवाजे पर ताला टूटा मिला और अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी के लॉकर में रखे सभी गहने चोरी हो चुके थे। इतना ही नहीं, वहां पर रखे पेपर में चोरों ने लिखा था कि आपका पति आपको मारना चाहता और बच्चे को भी, जिससे क्वार्टर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। पानीपत के अर्जुन नगर में शॉर्ट सर्किट होने से सुबह एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फैक्ट्री में सर्किट के कारण पहले मशीनों में आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे वो आग रुई और धागे में लग गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड माल भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। मालिक ने बताया कि मशीनों में शॉर्ट सर्किट के होने से आग लगी है, जिससे करीब 50 से 60 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। उसमें आग लगी है, यह एरिया बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।